वेलकम फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही अच्छे थिंकर दैट इज मैक्स वेबर वेबर जाने जाते हैं ब्यूरोक्रेसी के बारे में सो लेट अस डिस्कस वेबर इन डिटेल फर्स्ट ऑफ ऑल एज ऑलवेज हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी थिंकर अगर पढ़ना है तो उसका लाइफ सराउंडिंग्स एंड के पॉजिटिव उन्होंने क्या डिटेल्स कहे फॉर एग्जाम्पल वेबर के बारे में जब बोलते हैं तब तो अथॉरिटी पावर ब्यूरोक्रेसी ये सारी चीजें आती है बट एट द सेम टाइम वेबर एक ऐसे थिंकर है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म भी है उट right करेंगे so so कहाँ से वेस्ट जर्मनी से वेबर एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग फैमिली से आगे जाके उन्होंने एक लॉ में इंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू किया था एंड वेबर का एक था कि वो सिस्टमैटिक स्टडी में ज्यादा ध्यान देते थे फ्रॉम द एज ऑफ थर्टीन ओनली थर्टीन एंड ही प्रीफर्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रान लाइब्रेरी रिसर्च मतलब लाइब्रेरी से रिसर्च बेटर क्या है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये तो आज भी हम मानते हैं सोशल कंडीशन ऑफ जर्मनी जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जहां थिंकर रहता है उस एरिया का उस देश का उस राज्य का उसके ऊपर डेफिनेटली इंपैक्ट होता है और वेबर जिस पीरियड में थे उस वक्त का पीरियड था बिस्मार्क एंड बिस्मार्क इसलिए जाने जाते थे ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी मतलब बिस्मार्क जाने जाते थे पावर पॉलिटिक्स के बारे में सो डोंट यू थिंक अगर बिस्मार्क पावर पॉलिटिक्स के बारे में जाने जाते तो वेबर के थिंकिंग में भी कहीं ना कहीं पावर के बारे में ही डिटेल चर्चा होगी यस नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सब पावर होता क्या है और अथॉरिटी और पावर दोनों सेम है क्या चलो देखते हैं ना लिसन पावर का मतलब होता है एबिलिटी टू इंफ्लुएंस बिहेवियर इवन इफ देयर इज रेजिस्टेंस मैं फिर से रिपीट करता हूं पावर इज एबिलिटी टू इनफ्लुएंस बिहेवियर इवन इफ देयर इज अ रेजिस्टेंस मतलब सामने वाला नहीं चाहता है फिर भी अपनी इच्छा उसके ऊपर लाद देना ना पावर अलग अलग तरीके की हो सकती है

एंड वेबर का कहना है ऑल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स डोमिनंस नों थोड़ा अलग हटके हो गया बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन का नॉर्मल डेफिनेशन जो हमें लगता है एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है डोमिनंस कितना सही कितना गलत देखते हैं देन कम्स नेक्स्ट जस्ट ना हमने कहा कि वेबर ऑथोरिटी के बारे में बात करते है पावर के बारे में बात करते हैं ना पावर के बारे में जब वो बात करते हैं तब उनका कहना है कि लोग पावर चाहते हैं उसके पीछे भी कारण है बिकॉज पावर से फॉर एग्जाम्पल पहले हम पावर का देखते हैं पावर से होता क्या है सपोज ए इज एक्सरसाइजिंग पावर ओवर बी ए का डायरेक्ट फायदा है तो ए तो ये चाहेगा ही बट समटाइम्स वॉट हैपन इज एक्सरसाइजिंग पावर ओवर बी एंड सी इज इट बिकॉज इनडायरेक्टली सी को भी बेनिफिट होता है क्यों सी ए और बी के बीच में सी का कोई रिलेशन नहीं है बट जब ए बी के ऊपर एक्सरसाइज करता है अपना पावर तो सी को अगर इनडायरेक्टली फायदा होता है तो वो भी एंजॉय करता है एंड तीसरी बात डोंट थिंक लोग मोस्टली इसी तरह के होते हैं देर रेडी टू एक्सेप्ट ऑर्डर मतलब उनको आदत होती है कि ऑर्डर एक्सेप्ट करने की वेबर ने अलग अलग टाइप्स के अथॉरिटी दिए थे तीन टाइप्स के अथॉरिटी जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं पहला है ट्रेडिशनल अथॉरिटी दूसरा है करिस्मेटिक और तीसरा है लीगल रैशनल अथॉरिटी लेट अस डिस्कस ऑल थ्री नाउ अथॉरिटी में वॉट हमने अभी डिस्कस किया है ना ट्रेडिशनल अथॉरिटी तीन क्वेश्चन के जवाब देने हैं आपको अथॉरिटी आती कहा से मीन्स फ्रॉम वेर यू गेट दी अथॉरिटी राइट सेकेंड हाउ यू एक्सरसाइज दिटी आप वो ऑथॉरिटी को एक्सरसाइज कैसे करते एंड थर्ड वेन द ऑथॉरिटी विल गो ऑथरिटी क्यों जाएगा अगर ये तीन सवाल आपको याद रहेंगे वेबर के टाइप्स ऑफ अथॉरिटी का क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको दो मिनट में बीस मार्क के लिए क्वेश्चन आ चुका है आता है रेगुलरली तीन क्वेश्चन मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया ऑथॉरिटी आती है कहाँ से ऑथॉरिटी एक्सरसाइज कैसे होती है ऑथॉरिटी कब चली जाएगी अब ट्रेडिशनल अथॉरिटी कहा है मतलब ट्रेडिशनल अथॉरिटी का मतलब ही क्या है जो परंपरा के अनुसार आता है ऑब्वियसली तो एक्सरसाइज कैसे करेगा अब ट्रेडिशनल अथॉरिटी मतलब राजा किंगशिप ये सारे तो राजा किसे चुनेगा ब्लड रिलेशंस में अपने फॉलोअर्स या फिर अपने लॉयल या फिर मेरिट मैं फिर से रिपीट करता हूं वो ब्लड रिलेशन में चुनेगा या वो लॉयल्स को चुनेगा या वो मेरिट को प्रेफरेंस देगा आपको क्या लगता है राजा को अपने फॉलोअर्स चुनने हैं वो अपने बेटे को रिलेटिव्स को चुनेगा लॉयल्स को या मेरिट को ट्रेडिशनल अथॉरिटी में आप सही है डेफिनेटली वो किसे चुनेगा ब्लड रिलेशन में लॉयल्टी बाद में आते अगर आप इतिहास पूरा देखोगे तो हमेशा हमने देखा है राजा के खिलाफ उनके ही बेटे ने बगावत की लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब टाइम आता है राजा डिक्लेयर करने का ब्लड रिलेशंस को ही प्रायोरिटी दी जाती है नेक्स्ट पहला क्वेश्चन भी हो गया दूसरा भी हो गया अब तीसरा ऑथॉरिटी जाएगी क्यों ना ट्रेडिशनल ऑथॉरिटी आती क्यों है बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन सो अगर आप ट्रेडिशन नहीं फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चली जाएगी मतलब जहां से आती उसके अपोजिट में करोगे तो वो चली जाएगी आई होप ट्रेडिशनल ऑथॉरिटी क्लियर हुआ है देन कम्स अ नेक्स्ट स करिस्मेटिक अथॉरिटी क्या होता है द वर्ड इट सेल्फ इज करिस इंडिविजुअल अट्रैक्शन कुछ नेता होता है उनमें अट्रैक्टिंग पावर होता है उनकी ऑरटरी स्किल अच्छी होगी या ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छी होगी कि जिसके वजह से लोग बहुत उनके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं सो डोंट थिंक अगर ऐसे नेता है जो अट्रैक्ट होते हैं मतलब उनके पर्सनल करिश्मा के वजह से सो so अथॉरिटी क्यों आ रही है बिकॉज ऑफ द करिश्मा सो वो एक्सरसाइज कैसे करेगा लॉयल्स को करेगा अपने या मेरिट को स्थान देगा जाहिर है वो लॉयल्स को ही करेगा देन कम्स द क्वेश्चन किसरी ऑथॉरिटी जाती कब है ऑब्वियसली आ क्यों रही है बिकॉज ऑफ द पर्सनल करिश्मा सो जब ये करिश्मा ही चला जाएगा ऑथोरिटी रहेगी क्या नहीं बहुत सारे नेता आप देखेंगे कि पहले 40-50 साल पहले वो बहुत अच्छा करिश्मा एंजॉय करते थे लेकिन आज एंजॉय नहीं करते तो ये हो गया करिस्मेटिक ऑथॉरिटी तीसरा है लीगल रैशनल एज अ नेम सजेस्ट लीगल मतलब रूल्स लॉ रैशनल रीजनिंग आएगा किसके वजह से और क्यों आएगा ऑब्वियसली इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स मतलब किसके आधार पे आता है ये रूल्स के आधार पे तो एक्सरसाइज कैसे करेगा ब्लड रिलेशन लॉयल या मेरिट जाहिर है मेरिट तो चला क्यों जाएगा वेन यू गो अगेंस्ट रूल्स सो तीनों में से बेस्ट कौन सा है वेबर ने तीनों में से बेस्ट कहा है लीगल रैशनल अथॉरिटी एग्जाम so, में यही आता है सब वेबर का ब्यूरोक्रेसी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं मतलब हम फीचर्स डिस्कस करते हैं किसके लीगल रैशनल के और लीगल रैशनल ही सही माने में सही लगता है क्यों बिकॉज सिलेक्शन भी मेरिट बेसिस पे हो रहा है देन आप पोजिशन भी ऑक्यूपाई उस बेसिस पे कर रहे हैं और अगर आपने कुछ गलत किया तो वो चला भी जाएगा आई होप टाइप्स ऑफ अथॉरिटी क्लियर हुआ है बीस मार्क का क्वेश्चन जो हमेशा यूपीएससी और स्टेट सर्विस में आता है देन कम्स नेक्स्ट कि सर लेजीटमेंट क्या कहा कि समटाइम्स क्या होता है रूलर्स रूल करते हैं बट उसे हम लेजिटमेंट तभी कहते हैं जब जिनके ऊपर रूल करते हैं वो एक्सेप्ट करता है अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं लेजिटमेंट रूल एल्स हम लोग कहते हैं इलेजिटमेंट नेक्स्ट देन कम्स नेक्स्ट क्या वेबर पहला है जिसने ब्यूरोक्रेसी डिफाइन किया है तो आंसर है नहीं वेबर से पहले भी ब्यूरोक्रेसी के बारे में चर्चा हुई है सेंचुरी फ्रांस में उसके पहले मॉस्का मिशेल कार्लॉक बहुत सारे लोगों ने ब्यूरोसी के ऊपर चर्चा की नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेबर ही क्यों वाई द नीड टू स्टडी वेबर वेबर क्यों भाई वेबर इसलिए बिकॉज वेबर इज अ फर्स्ट सोशल साइंटिस्ट जिन्होंने ब्यूरोसी का सिस्टमैटिक स्टडी किया है मैं रिपीट कर रहा हूं वेबर पहले सोशल साइंटिस्ट है जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी का सिस्टमैटिक स्टडी किया है उसके कैरेक्टरिस्टिक का स्टडी किया है एंड दैट्स वाई हमें वेबर को पढ़ना चाहिए देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन किस एग्जाम में क्वेश्चन आया कि डिफाइन वेबर ब्यूरोक्रेसी तो क्या लिखेंगे प्लीज वेबर नेवर डिफाइन ब्यूरोक्रेसी मैं रिपीट कर रहा हूं वेबर नेवर डिफाइन ब्यूरोक्रेसी ही हैज ओनली डिस्क्राइब हिज ब्यूरोसी कभी डिफाइन नहीं की उन्होंने सिर्फ उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में चर्चा की है क्या कहानील of क्या इसमें नेता भी आएंगे नेता इलेक्टेड होते हैं मैं रिपीट कर रहा हूं नेता इलेक्टेड होते हैं और वेबर ने क्या कहा है कि सेट ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल मतलब इलेक्टेड को उसने जान के क्या किया है बाहर रखा है मतलब में कौन होंगे सिर्फ आई होप क्लियर हुआ है थोड़ा आगे चलते हैं फिर <clears throat> तो वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी में क्या है एक्चुअल एक एक करके पॉइंट देखते हैं एज पर वेबर जो ऑफिशियल बिजनेस है इट शुड बी कंडक्टेड ऑनटीन्यूअस बेसिस मतलब ऑफिशियल बिजनेस रुकना नहीं चाहिए फॉर एग्जाम्पल सुबह मेरी ड्यूटी है आफ्टरनून में किसी और की इवनिंग में किसी और की काम चलता रहा चलता रहना चाहिए सपोज किसी आदमी की जान चली गई कोई डेथ हो गया कुछ एक्सीडेंट हो गया तो भी काम बंद होगा क्या? नहीं ऑफिशियल बिजनेस शुड भी कंटिन्यूस बेसिस और वो चलना ही चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली सर्विस है है सेकेंड हैराकी होगी ना हेराकी इज गुड आप भी समझो कि हारकी का एक फायदा क्या होता है से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सुपरवाइजर है उसके नीचे वर्कर है देन आपका असिस्टेंट मैनेजर देन डेप्यूटी मैनेजर देन मैनेजर देन चीफ मैनेजर न डोंट यू थिंक हारकी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको एग्जैक्टली exactly पता होता है कि आपको किससे रिपोर्ट करना है किससे ऑर्डर लेना है थर्ड ऑफिस एंड प्राइवेट थिंग्स आर सेपरेटेड इट्स वेरी गुड क्योंकि ऑफिस के चीजें सेपरेट होगी आपका पर्सनल चीज सेपरेट होगा एंड जो भी ऑफिस में काम होगा एवरीथिंग एवरी थिंग रिटर्न डॉक्यूमेंटेड क्यों अरे भाई इसके दो फायदे हैं एक तो रिकॉर्ड के लिए प्रूफ बन जाता है और दूसरा फ्यूचर जनरेशन जो होता है या फ्यूचर जो आने वाले एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें ट्रेनिंग करने के लिए ये काम करता है सो रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन इज इट गुड यस इट इज गुड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी जो होगा इट विल फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रूल सुन ली मतलब जो भी कामकाज होगा वो रूल के अनुसार होगा ना कि आपकी इच्छा के अनुसार, के अनुसार. इतना ही नहीं, मतलब की कोई चीज को आई होप वेवेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी के कुछ चीजें आपको समझ में आई मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ऑफिस का जो भी बिजनेस होगा वो कंटिन्यूस बेसिस पर चलेगा हैराकी रहेगी पर्सनल आपके प्राइवेट थिंग्स और ऑफिशियल थिंग्स सेपरेट रहेंगे रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन होगा जिससे रिकॉर्ड कीप किया जाएगा ट्रेनिंग को भी फायदा होगा जो भी कामकाज होगा प्रशासन में सब रूल्स के आधार पे होगा और ऑफिसर्स के नॉट बी अप्रोप्रिएटेड एज प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब आपकी प्राइवेट जागीर नहीं होगी इन इनफॉर्मल लैंग्वेज देन कम्स द नेक्स्ट सर ऑफिशियल्स के कैरेक्टर्स क्या है लिसन जो भी ऑफिशियल्स होंगे इनका सिलेक्शन जो होगा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ऑफिशियल्स का सिलेक्शन होगा और जॉब प्लेसमेंट जो होगा इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वालिफिकेशन मतलब क्या जो भी सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस होगा इज इट गुड और बैड बैड आई डोंट थिंक एनीवन विल से इट इज सो सो मेरिट सिलेक्शन पहला चीज तो है सिलेक्शन जो होगा वो मेरिट बेस दूसरा जो काम करेंगे इनके लिए कोई ऐसा छोटा मोटा काम नहीं मतलब दो साल किया छोड़ दिया पांच महीने किया इट विल बी अ करियर मतलब क्या सी करियर और नॉर्मल वर्क में अलग होता है करियर मीन्स एक ऐसा ऑक्यूपेशन जो आप लाइफ का लार्जर पार्ट के लिए सिलेक्ट करते हैं इट्स अ फुल टाइम अम्युपेशन फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हम देखते हैं पढ़ाने वाले भी ये कहते हैं कि इतना ही करो इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली क्या यूपीएससी में इसकी गारंटी दे सकते हैं क्या जो करियर कहेगा वो तो डेफिनेटली नहीं करेगा क्योंकि उसे फिर से उन्हें फेस करना होता है और लॉन्ग टर्म ऑक्युपेशन सिलेक्ट करता है थर्ड जो ब्यूरोक्रेट्स ऑफिशियल यहां काम करते हैं उन्हें रिवार्ड दिया जाएगा एज अ रेगुलर सैलरी एंड करियर में एडवांसमेंट भी होगा मतलब प्रमोशन रिवार्ड दिए जाएंगे गुड यस दे आर पर्सनली फ्री मतलब किसी के वो गुलाम नहीं है पर्सनली दे आर टोटली फ्री एंड इन पर्सनल रूल्स सो डोंट थिंक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफिशियल्स काफी हद तक अच्छे हैं मैं फिर से रिपीट करता हूं सिलेक्शन मेरिट बेसिस पे होगा करियर के लिए लोग रहेंगे जो भी होंगे उन्हें रेगुलर सैलरी दी जाएंगी अगर अच्छे काम करते हैं तो रिवार्ड दिया जाएगा करियर में एडवांसमेंट हो जाएगा पर्सनली फ्री होंगे किसी के गुलाम नहीं और इम्पर्सनल रूल्स ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक देन कम्स नेक्स्ट किस आपने तो कहा था कि वेबर के बारे में क्रिटिसिज्म सबसे ज्यादा है यस yes. जब भी आप वेबर जाओ पढ़ोगे क्रिटिसिज्म ही ज्यादा है वेबर के ऊपर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है कि भाई के वजह से तो इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं और बेरोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम डिविजन ऑफ वर्क में ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप जैसे बोल रहे क्या वैसे ही ब्यूरोक्रेट्स हमेशा बिहेव करेंगे क्या तालकोट पर्सन ने तो कहा है क्या इंटरनल कंसिस्टेंसी है इसमें और आप बात करते हैं कि हेराकी फॉलो करो दूसरी साइड में एक्सपर्ट एक्सैक्टली किसके ऑर्डर फॉलो किया जाए का या काम में एक्सपर्ट उसका करना चाहिए एंड मोस्ट थिंकर का तो बहुत अच्छा कहना कहना कि उनका, कहना है, कि उनका कहना है क्या ये ब्यूरोक्रेसी अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे इंप्लीमेंट की जा सकती है उनका कहना है नहीं की जा सकती डिफरेंट टाइम एंड स्पेसिस पे नहीं चलेगा एंड आप कहते हैं कि सबको रिवार्ड बेनिफिट्स एडवांसमेंट होगा क्या सभी ह्यूम के लिए मोटिवेशन सेम ही हो सकता है नॉट नेसेसरी तो कुछ लोगों का कहना है कि पैट्रीमोनल ब्यूरोक्रेसी जो है वही सुटेबल है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए लेट अस सी देन कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि जो वेबर्स का ब्यूरोक्रेसी का मॉडल है पूरे दुनिया के लिए सुटेबल नहीं है इतना ही नहीं साइमन का कहना है कि वेबर जो भी बात करता है फॉर्मल रिलेशंस बट डोंट थिंक ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल रिलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो ला लापाल कहते हैं कि इंडिया जैसा इसमें ये कैसे वर्क करेगा साइमन एंड मा का कहना है कि भाई आपने स्ट्रक्चर पे ज्यादा काम किया राधर दैन ह्यूमन बींग्स आपने स्ट्रक्चर पे ज्यादा काम किया राधर दैन ह्यूमन बींग्स इतना ही नहीं अगर इसे ब्रीफ में करूं तो इससे क्या होगा रेटिज्म बढ़ेगा टीले होगा इनफिशियंसी एंड टू मच फॉर्मलिज्म लाइक like हर चीज आप रिकॉर्ड करने जा रहे हैं देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर डज दैट मीन वेबर ब्यूरोक्रेसी कुछ काम की नहीं है चलो देखते हैं सी वेबर ने मैंने पहले भी कहा है वेबर वेस्ट जर्मनी से है और वेबर ने जो कुछ भी लिखा है वो उस वक्त के जर्मन कंडीशंस के अनुसार लिखा है सो इट वुड बी रॉन्ग टू से दैट इट लैक्स इंपेरियल वैलिडिटी इंपेरियल वैलिडिटी गलत है ऐसे नहीं बोल सकते तीसरा क्या स्किल्ड ऑफिशियल मेरिट बेस्ड सिलेक्शन गलत है क्या फॉर्मल स्ट्रक्चर हमेशा गलत है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दोज वंस गवर्न बाय ब्यूरोक्रेसी कैन नेवर गेट रीड ऑफ इट एक्चुअली हो क्या रहा है पीपल वॉन्ट टू क्रिटिसाइज द प्रेजेंट डे ब्यूरोक्रेसी उनके देश में जो प्रेजेंट डे ब्यूरोक्रेसी होती है उसे वो क्रिटिसाइज करना चाहते हैं बट होता क्या है इन दैट ब्यूरोक्रेसी दे सी मेनी फीचर्स ऑफ वेबर्स ब्यूरोक्रेसी वेबर मतलब आप क्रिटिसाइज करना चाहते हैं आपके देश के ब्यूरोक्रेसी को बट आपके देश के ब्यूरोक्रेसी में आपको फीचर्स किसके दिशे वेबर्स के ब्यूरोक्रेसी को और उसी की वजह से आप क्रिटिसाइज किसे कहते हैं वेबर के ब्यूरोक्रेसी को एंड दोज हु वांट टू गिव अल्टरनेटिव टू वेबर ब्यूरोक्रेसी प्लीज लिसन केयरफुली उन्हें भी पहले वेबर्स का ही ब्यूरोक्रेसी स्टडी करना पड़ेगा एंड दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्स वेबर इतना ही नहीं इतना ही नहीं डोंट यू थिंक इवन यू कंसिडर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको तो एक सवाल है मेरा क्या हम सब में सारी चीजें पॉजिटिव ही होती है नहीं देर आर फ्यू पॉजिटिव थिंग्स बट जब भी हम बात करते हैं किसी के बारे में तो उनके बारे में नेगेटिव चीजें पहली आती है वॉट डज इट मीन कि नेगेटिव चीजें जो होती है वो पॉजिटिव चीजों को इक्लिप्स कर देती है आई होप क्लियर हुआ है नेगेटिव चीजों के वजह से पॉजिटिव चीज क्या हो जाता है इक्लिप्स हो जाता है इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव चीजें नहीं है बट ऐसा होता है सेम वे वेबर्स के इसमें अगर आपने कहा कि सर रूल्स हायर की रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन ये नेगेटिव है मानते हैं बट मेरा आपको सवाल है क्या मेरिट बेस्ड सिलेक्शन गलत है क्या टेक्निकल एक्सपर्टाइज गलत है नहीं दैट इट्स मीन इसमें पॉजिटिव भी है

का क्वेश्चन लास्ट नाउ वेबर्स मॉडल ऑफ बेरोसी लैक इमोशनल वैलिडिटी व्हेन अप्लाइड इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन कमेंट अगर ये सवाल आता है तो लिखने की कोशिश करना अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना थैंक यू वेरी मच